तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कन्याकुमारी में रोड शो किया। उन्होंने रोड शो के दौरान कहा कि दिल्ली में सरकार तमिलनाडु संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। उनके पास एक मुख्यमंत्री है, जो वे कहते हैं वो सब कुछ करते हैं। मुख्यमंत्री राज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि मोदी उन्हें क्या कराना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो केवल प्रधानमंत्री के सामने झुकता है, नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए लोगों से मोदी और संघ परिवार को तमिलनाडु के लोगों, राज्य की संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने की अनुमति नहीं देने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में अन्य भाषाओं और संस्कृति की तरह तमिल संस्कृति और भारत की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है। अपने कन्याकुमारी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। नागरकोइल जाते वक्त राहुल अचंगुलम गांव में रुक गए। वहां उन्होंने पलमायरा ताड़ का फल भी खाया। बता दें, तमिलनाडु में चुनाव 6 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे और मतों की गिनती 2 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई।